हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले न्यू TVS अपाचे RTR 200 के बारे में। अब दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले RTR 200 में थोड़ा सा अपडेट किया गया था TVS की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पर जो अपडेट किया गया वो काफ़ी अच्छा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को इसका ब्लैक एंड रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका मैंने रिव्यू आप लोगों के सामने रखा हुआ था, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं रिव्यू देने वाला हूं वो आपको यहां पे ब्लू कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि ब्लू कलर वेरिएंट बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और नए चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं TVS अपाचे RTR 200 4V के न्यू वेरिएंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस आपको ये बाइक देखने को मिलती है। जो दोस्तों, इस बाइक का प्राइस क्या है, कितनी क्या प्राइस आती है, और आपको मैं क्लियर भी करना चाहूँगा कि इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक पर दो ऑप्शन आते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, ऑप्शन ये है कि एक आती है सिंगल चैनल ABS वाली और एक आती है डुअल चैनल ABS वाली। जी हाँ, इसमें आपको एक सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। सिंगल चैनल ABS वाली एक्सरूम प्राइस आती है 1,40,000, ऑन रोड प्राइस आती है अराउंड 1,62,000। डुअल चैनल ABS वाली एक्सरूम प्राइस आती है 1,45,000, ऑन रोड प्राइस आती है अराउंड 1,68,000। 1,68,000 और 1,62,000 लगभग वही 4,000 से 5,000 रुपीज के आसपास का प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक्स में यानी कि सिंगल चैनल और ABS के बीच में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसकी लाइट दिखाता हूं, जो कि लाइट पे मेजर चेंज किया गया। दोस्तों आप बाइक की फ्रंट लाइट देख पा रहे हैं, बाइक में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको यहाँ पे जो LED डियरर लाइट मिलती थी, पहले आपको वो साइड में दो लाइट देखने को मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब जो नई वाली बाइक आ गई है उसमें आप लोगों को 20 सेंटर में LED लाइट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी काम किया TVS ने बहुत ही परफेक्ट काम किया। ये LED डियरर लाइट भी सेंटर में बाइक का लुक काफ़ी बढ़ा रही है। साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं बाइक में आप लोगों को फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलता है, जो कि एक लो बीम और एक हाई बीम है। टर्न सिंगल लाइट आपको लाइट में बल्ब देखने को मिलता है। ये अगर LED होता तो और भी बेटर हो सकती थी बाइक। रियर में आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिलती है, साथ में आपको बाइक में 8Ah की 12W की बैटरी मिल जाती है। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। दोस्तों इंजन टाइप में इस बाइक में आपको ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve इंजन जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पावर में लगभग 20.82 के आसपास का PS पावर है, जो कि 9,000 RPM में पावर जनरेट करता है। और मैक्सिमम टॉर्क में लगभग 17.25 के आसपास का टॉर्क है, जो कि 7,250 RPM पे पावर जनरेट करता है। इट मींस आपको बाइक में पावर एंड जो टॉर्क मिलती है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि इस बाइक में राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो राइडिंग मोड्स में जब आप स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो बाइक को फुल पावर यहाँ पे जनरेट करेगी, लेकिन अगर आप इसे अर्बन और रेड मोड में डालेंगे तो लगभग 17.32 के आसपास का जो पावर है ये बाइक जनरेट करेगी। मतलब पावर कट वाला राइडिंग मोड है, तो ये ओरिजिनल राइडिंग मोड यही होते हैं। कोनिक सिस्टम में ऑयल कूलर विथ रैम एयर असिस्ट आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको बाइक में फ्यूल सिस्टम में रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्टर आपको बाइक में मिल जाता है। नंबर ऑफ 5-speed ईयर बॉक्स के साथ में आती है। बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है। बाइक की बोर साइज लगभग 66mm की, स्ट्रोक साइज लगभग 57.8mm के आसपास की आपको बाइक में देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। माइलेज में दोस्तों बाइक आपको लगभग 36 या 36 किमी पर लीटर के आसपास का माइलेज निकाल कर देगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 12-13 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड लगभग 130 किलोमीटर/आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको बाइक में मिल जाती है। दोस्तों फ्रंट में आते हैं, सबसे पहले सस्पेंशन देख पा रहे हैं। बाइक में आपको फ्रंट में सोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। भाई सोवा के जो सस्पेंशन है काफ़ी प्रीमियम होते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, आपको पता है बहुत ही अच्छे सस्पेंशन होते हैं सोवा के। बात करें फ्रंट टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 90-90 का टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है। साथ में ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग में आपको मैंने पहले बताया इसमें दो वेरियंट है, चाहे तो आप सिंगल चैनल ABS वाली भी ले सकते हैं, चाहे तो आप डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली भी ले सकते हैं। और प्लेट साइज
फ्रंट में आपको लगभग 270 mm के आसपास की प्लेट साइज आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। वही दोस्तों रियर में आते हैं, रियर में सबसे पहले इसकी प्लेट साइज देख पा रहे हैं, रियर में 240 mm के आसपास की प्लेट साइज देखने को मिलती है। रियर में टायर साइज लगभग 130/70 के आसपास का टायर देखने को मिलता है, जिसमें आपको TVS की यूरो ग्रिप टायर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ में आपको बाइक में रियर में सोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन बाइक में देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, वह दोस्तों इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सबसे पहले आप बाइक की देख लीजिए, इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। आप स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं दोस्तों, बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। और फीचर्स तो इतने सारे हैं, मुझे लगता है कि 200 सेगमेंट में इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा फीचर आपको इसी बाइक में देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, गियर डिस्प्ले है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, गियर शिफ्ट लाइट है, रियर लिमिटर इंडिकेटर है, साथ में लैप टाइमर भी आपको बाइक में मिल जाता है। ध्यान रखिए साथ में दोस्तों इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। जी हाँ, इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स, रेन एंड अर्बन, जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस बाइक का। बाइक में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी गई है, फोन से कनेक्ट करके आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद कॉल मैसेज अलर्ट जो है आपके इसके स्पीडोमीटर में देख सकते हैं। बात करें स्विचेस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में पास सीज लो बी वाइब्रेम टर्न सिग्नल है, हॉर्न का सीज आता है, राइट हैंड साइड में इंजन किल सीज एंड सेल्फ का सीज, साथ में आपको राइडिंग मोड्स का सीज इस बाइक में मिल जाता है। दोस्तों इसकी जो ओवरऑल हाइट है ना बाइक की, वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 1050 एंड इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm की। आपकी हाइट अराउंड 5.2 है, उससे ऊपर है तो आप इजिली इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की, कर्व वेट है 152 kg के आसपास का आपको बाइक में मिल जाती है। तो ये था दोस्तों न्यू TVS अपाचे RTR 204V का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू, जो कि 2022 का न्यू वेरिएंट है। अब दोस्तों आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से दोस्तों इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी बाइक आपको RTR 200 देखने को मिलती है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।